प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात क्या हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए की तरफ झुकाव बढ़ता गया। नीतीश कुमार का एनडीए की तरफ झुकाव बढ़ता देख लालू यादव की खेमा बौखलाया हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे, जिसके बाद परिवारवाद पे निशाना साधने लगे। इन सब के क्या मायने हैं? लोकसभा चुनाव होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं और बीजेपी को हराने के मकसद से बने 28 विपक्षी दलों के गठबंधन में बिखराव जारी है। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मुहिम चलाने वाले और इंडिया अलायंस को आकार देने वाले नीतीश कुमार के बिहार में महागठबंधन से अलग होने की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी दोबारा टूटने वाली है। नीतीश फिर से बीजेपी खेमे में जा सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न सम्मान का ऐलान करके बीजेपी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश लंबे समय से अपने राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। बीजेपी ने इस फैसले को एक तरफा ओबीसी वोट बैंक को टारगेट किया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस से एनडीए बढ़त बना ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बने दबाव की वजह से नीतीश कुमार दोबारा से बीजेपी में जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के ऐलान ने नीतीश कुमार पर एक विकल्प चुनने का अतिरिक्त दबाव डाला होगा। बीजेपी ने इस फैसले से नीतीश के सामने अप्रत्यक्ष रूप से 2 विकल्प रखे थे। पहला, इंडिया अलायंस के साथ बने रहें, जिसके भीतर जेडीयू नेता असहज महसूस कर रहे थे, या घर वापसी करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत की राजनीति में सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर माना जाता है। वह कब क्या फैसला लेंगे, इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। फैसला सामने आने पर बस हैरानी होती है। वैसे जेडीयू के बॉस नीतीश कुमार 2013 से बीजेपी, कांग्रेस या लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ झूलते रहे हैं। वो कभी लालू की पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी बीजेपी के साथ हो जाते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के यूटर्न को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कर्पूरी ठाकुर एक प्रतिष्ठित समाजवादी नेता थे। वो 1970 के दशक में बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिप्टी सीएम भी बने। उन्हें राज्य के विवादास्पद शराब निषेध नीति को लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है। आज भी जननायक या जनता के नेता के रूप में याद किए जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की विरासत बिहार के राजनीतिक दलों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनी हुई है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर से ही राजनीतिक गुर सीखे थे। दोनों ने कर्पूरी ठाकुर के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान की वकालत की थी। मोदी सरकार ने 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान कर दिया। इसकी घोषणा होते ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया, फिर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। वहीं नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 2007 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद से हर केंद्र सरकार को याचिका दी गई है, लेकिन सिर्फ मोदी सरकार ने ही जवाब दिया है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान देने के बीजेपी के फैसले को नीतीश के लिए एक रणनीतिक कदम देखा जा रहा है। तो वहीं बिहार की 13.1 करोड़ आबादी में 60% से अधिक पिछड़े या अति पिछड़े समुदायों से हैं। इसके बीच कर्पूरी ठाकुर आज भी पूजनीय है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने से बीजेपी को 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में विशाल वोट बैंक पर पकड़ हासिल करने में मदद मिलेगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।